हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी तिल की बर्फी की रेसिपी, या फिर इसे गजक भी कह सकते हैं। तो इसे इस मकर संक्रांति पे ज़रूर बनाइएगा। ये बनाना बहुत आसान है और साथ ही बहुत कम सामानों से बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने गैस पर रख लिया एक पैन, और अब इसमें डालेंगे 1 कप सफ़ेद तिल, और अब इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, या फिर जब तक इसे भून लेंगे तब तक इसकी थोड़ी बहुत कलर ना चेंज हो जाए। और इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना भूने, नहीं तो हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो तिल जल जाएगी और तिल फिर कड़वी लगेगी। तो ये देखिए, इसकी कलर चेंज हो गई है और 3 से 4 मिनट हो भी चुकी है। तो अब ये भून चुकी है अच्छी तरह से, तब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुकी है बिल्कुल। तो अभी लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें भुनी हुई सारे तिल को डाल देंगे, और अब इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली, और साथ में ही ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची, और अब इसे दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस इस तरह से दरदरा पीस लेंगे, तभी बर्फ़ी बिल्कुल दानेदार और सॉफ्ट बनेगी। और अब बर्फ़ी को सेट करने के लिए मैंने लिया है केक मोल्ड, आप प्लेट या कोई ट्रे भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी या ऑयल, और अब इसे चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे मोल्ड को। तो बर्फ़ी सेट करने के लिए मोल्ड तैयार हो चुकी है। तो अब वापस से गैस पर रखेंगे पैन, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और घी को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, घी मेल्ट हो गई है अच्छे से। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप गुड़। गुड़ हमें उतना ही डालना है जितना कि हमने तिल लिया है, यानी कि गुड़ और तिल की क्वांटिटी दोनों बराबर मात्रा में लेना है। और अब गुड़ को धीमी आंच पे मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से। तो अब इसमें ऐड कर देंगे तिल की पाउडर, और अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, इसे जल्दी करना है, नहीं तो फिर ज़्यादा जम जाएगी तो बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है इसे, और अब इसे जल्दी से जो हमने बर्फ़ी का मोल्ड तैयार करके रखा है उसमें सारा मिक्सर डाल देंगे। और अब इसे इस तरह से स्पैचुला से चारों तरफ फैला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर दिया है। और अब एक नाइफ लेंगे और इस तरह से बर्फ़ी का शेप देकर कट कर लेंगे। इसे अभी कट करना है, नहीं तो बाद में करेंगे तो बर्फ़ी जम जाएगी तो आसानी से कट नहीं पाएगी। और अब इसके गार्निशिंग के लिए हमने लिया है काजू को 2 टुकड़ों में करके। आप चाहें तो जो भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसे रहने दे सकते हैं। और अब इसे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि बर्फ़ी गुड़ की वजह से वो जल्दी सेट हो जाती है। तो 15 से 20 मिनट हो चुकी है और बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है। तब सारे बर्फ़ी को नाइफ से निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, कितनी आसानी से बर्फ़ी निकल रही है। और अब इसकी टेक्सचर तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी आसानी से टूट रही है बर्फ़ी, बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनी है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।